गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ योर जी के टीचर शालिनी मैम फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल. स्टूडेंट, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, नेम इज आई केयर. बच्चों, अवर आईज हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस. वी शुड टेक केयर ऑफ अवर आईज प्रॉपरली. टेक राइट द एक्टिविटीज दैट आर गुड फॉर योर फॉर अवर आईज एंड क्रॉस दोज आर नॉट. तो बच्चों, क्या होता है, जो हमारी आईज होती है ना, वो हमें सारी चीजें देखने में हमारी हेल्प करती हैं. हमें उनकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनको देखना है. और जो एक्टिविटीज राइट हैं, गुड हैं हमारे आई केयर के लिए, उन पे आपको राइट टिक करना है. और जो अच्छी नहीं है, उन पे आपको क्रॉस बना देना है. तो देखिए, पिक्चर नंबर वन, एक गर्ल है जो एक कार में जर्नी कर रही है और वो साथ में रीडिंग कर रही है, स्टडी कर रही है. तो बच्चों, इट इज बैड हैबिट, तो आप यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. नंबर टू है, अ बॉय इज रीडिंग बुक विद लैम्प. तो बच्चों, देखा आपने, ये बच्चा लैम्प लगा करके पढ़ाई कर रहा है, रीडिंग इन गुड लाइट, तो इट्स अ गुड हैबिट. यहाँ पे आप राइट टेक करेंगे. थर्ड नंबर पे है, वॉचिंग टीवी फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस. अब आप देखिए, बच्चा बहुत पास से टीवी को देख रहा है. इट इज हार्मफुल टू अवर आईज, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे. नंबर फोर पे देखिए, रविंग आईज विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ. अब ये गर्ल है, ये अपनी आईज को रब कर रही है, रगड़ रही है, वो भी डर्टी हैंड से और डर्टी क्लोथ से, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड हैबिट. नंबर फिफ्थ है, वॉशिंग आईज विद क्लीन वाटर. बच्चों, आपको पता है, हमें टाइम टू टाइम अपनी आईज को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे आपको राइट टिक करना है. नंबर सिक्स है, लाइंग ऑन द बेड एंड रीडिंग अ बुक. बच्चों, कभी भी हमें बेड पे ना इस तरीके से लेट करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है और साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो ये है बैड हैबिट, ये गुड एक्टिविटी में नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है. बच्चों, इस चैप्टर में आपने ये सीखा कि हम अपनी आईज को किस तरीके से केयर कर सकते हैं. तो इन सारी पिक्चर्स को देखिए और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको कीजिए.